नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, में हूं पेनाज। और धर्मयुद्ध में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें। बीजेपी के जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसे लेकर अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की एक लंबी मीटिंग हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी मौजूद थे, मौजूदा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी में कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया लंबी होती है, सभी राज्य इकाइयां इसमें शामिल होती हैं, इसीलिए फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता पर दांव लगा सकती है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ा वोटर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गए थे। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां बीजेपी को पिछड़े वोटर्स में काफी नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी की मुश्किल यह है कि उसके ज्यादातर बड़े नेता मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो चले हैं। ऐसे में एक व्यक्ति एक पद नियम के तहत किसी मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा।